हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते कि अपकमिंग ट्रैक की। तो कहानी में दिखाया जाएगा कि एपिसोड की शुरुआत में प्रद्युम्न अर्जुन से कह रहा होता है कि ये उसका घर है, मैं कोई फिश मार्केट में नहीं हूँ जो तुम मुझे वॉर्न करोगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुलाऊँगा। मीनवाइल महिमा कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ ये प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं। प्रद्युम्न कहता है कि अर्जुन, तुमने महिमा को मैनेजर क्यों रखा है? वो कोशिश करता है उसको बैड फील करवाने की, बहुत सारी बुरी बातें बोल कर कि उसके जैसी औरत जो प्यार के लिए सिर्फ शॉर्टकट ढूंढती है, प्यार के ज़रिए लाइफ अपनी स्पेंड रातें करना जानती है लोगों के साथ में, एलीट लोगों के साथ में, वो तुम्हारी मैनेजर कैसे हो सकती है? अर्जुन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि महिमा हमारी कंपनी के लिए एक असेट है और इसीलिए मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। प्रद्युम्न कहता है कि चलो, तुमने क्या डील की है महिमा के साथ, बता भी दो। ये सुनने के बाद अर्जुन उसको पीटने लगता है और प्रद्युम्न यहाँ दीवार से टकरा जाता है और गिर जाता है। और तभी जो किचन का स्लैब है वो उसको लग जाता है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मीनवाइल काशवी वहाँ आती है और अर्जुन को चिल्लाती है कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। काशवी चेक करती है प्रद्युम्न को और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता और प्रद्युम्न का सर्वेंट वहाँ आते हैं और रोने लगते हैं। तभी वो कहता है कि मेरा ओनर मर गया क्या, हमारे मालिक मर गए। हालांकि काशवी उनसे कहती है कि नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। अर्जुन से कहती है कि एम्बुलेंस बुलाओ। महिमा कहती है कि हमें चलना चाहिए, अदरवाइज इस सारी मिस हैपनिंग का ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। वो अर्जुन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खींचती है और कहती है भागो अर्जुन भागो। तभी अचानक से अर्जुन का हाथ जो है वो उसकी तरफ खींचता है और वो काशवी को सुनता है और कहता है कि हाँ, हमें प्रद्युम्न को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इधर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद महिमा इंसिस्ट करती है अर्जुन को कि चलो हम हॉस्पिटल से चलते हैं। तभी वहाँ नित्या आ जाती है और अर्जुन उसे सब कुछ बताता है जो हुआ। मीनवाइल डॉक्टर आते हैं बाहर और कहते हैं प्रद्युम्न कोमा में चला गया है। तभी अर्जुन अपनी फैमिली को बुलाता है ताकि वो सब उसे मिल पाए। इधर मीनवाइल नित्या महिमा को साइड ले जाती है और उसे घर लाती है और दादी जगदीश प्रे करते हैं कि प्रद्युम्न बस जल्दी से ठीक हो जाए। जगदीश यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सारा वर्स्ट सिनेरियो है ये अर्जुन ने क्रिएट किया है, प्रद्युम्न को अगर होश नहीं आया तो उसके ऊपर मर्डर केस के चार्जेस लग जाएंगे। मीनवाइल महिमा कंसोल करने की कोशिश करती है अर्जुन को और नित्या यहाँ पर भगवान से प्रे करती है कि अर्जुन और महिमा जहाँ एक दूसरे के साथ होते हैं हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती है। और वो कहती है कि महिमा तुम अभी भी अर्जुन को प्रवोक कर रही हो जबकि तुमने देखा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी थोड़े टाइम के बाद वो कहती है कि डिनर कर लो, लेकिन वो चिल्लाता है महिमा के ऊपर और कहता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना। अर्जुन यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसे महिमा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन तभी अपना डिनर लेता है। तभी काशवी वहाँ जाती है। महिमा काशवी से कहती है तुम कुछ गलत मत सोचो। काशवी कहती है कि मैंने कुछ पूछा जो तुम उससे जस्टिफिकेशन दे रही हो। बाद में काशवी अंदर चली जाती है और इधर रात में अर्जुन छत पर जाता है सोने। काशवी से कहता है कि मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। मीनवाइल काशवी दादी के वर्ड्स को रिकॉल करती है जो कहती है कि सारी चीज़ों को तुम्हें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए, इंस्टेंट के अर्जुन को सुनने में बहुत देर हो जाए। वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे लेक्चर मत दो और मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, काशवी तुम यहाँ से चली जाओ। और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे करके महिमा की साजिश के चलते यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है। आखिर कैसे होगा इन दोनों के गैप का खात्मा, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.